जम्मू कश्मीर यूथ शरणार्थी एक्शन कमेटी ने सरकार से डिस्प्लेस्ड पर्संस यानी विस्थापित लोगों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री पैकेज की वितरण प्रणाली को सही करने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कमेटी के प्रधान गुरुदेव सिंह ने कहा कि सरकार ने जिस पैकेज की घोषणा की थी उसके तहत पैकेज के वितरण की प्रक्रिया सही न होने से कई जायज़ परिवारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि बार बार कागज़ों में आपत्तियों को ठीक करने के बावजूद भी उन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर पैकेज वितरण की प्रक्रिया को सही करने और उसमें तेज़ी लाने की अपील की। हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जम्मू कश्मीर सरकार है, जो मुतलका लोग हैं वो इस DBT सिस्टम को ठीक करें। बायोमेट्रिक सिस्टम जो है जिसमें फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं उसको ठीक करें और ठीक करके बाद ये डिसबर्समेंट का जो मसला है इसको आसान बनाएं ताकि लोगों को हरासमेंट ना हो और लोग गलत जांच में ना पड़ें। दूसरा मसला हमारा ये है, हम जो PRO साहिबान हैं मिस्टर मुश्ताक हुसैन मलिक और उनका जो स्टाफ है उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बड़ी मेहनत के साथ 26,000 फैमिली से तकरीबन 18,000 फैमिली जो है उसको वेरीफाई करके उसके केस नेट में डाल दिए हैं ताकि उनको पेमेंट हो। और अगर कोई डिफ़िकल्टी मतलब पटवारी साहब उनकी हड़ताल ना होती तो मेरे ख्याल में वो 20,000 से क्रॉस करके होते। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में जो हमारे रिफ्यूजीज भाई हैं उनको ये अपील करते हैं कि वो गलत जांचों में ना आएँ। जो लोग इस प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, उनकी बात मत सुने। कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे PRO साहब के पास जा सकते हैं। तीसरी बात, हमारा मुद्दा ये है कि हम BJP सरकार से, BJP पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वक्त है उनके हाथ से निकलता जा रहा है, वो हमारे मसले को समझें, बात करें और इसका एक प्रॉपर रोड मैप बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें, क्योंकि मोदी सरकार जो है उन्होंने पहले भी पैकेज दिया है और इस मसले को बखूबी वो हल करना चाहती है। और BJP पार्टी को ये जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में जो 1947 का रिफ्यूजी आवाम है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, जिस तरह वो जाएगा वही पार्टी जीतेगी। हम ना शुक्रगुजार नहीं होना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।